PIR पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि PIR सेंसर वर्क कैसे करता है और कैसे हम इसको आर्डिनो के साथ इंटरफेस करा सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये एक PIR सेंसर है। इसका यूज़ करके आप ह्यूमन और एनिमल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट से 20 वोल्ट होती है। इस सेंसर से आप 7 मीटर तक डिटेक्शन कर सकते हैं। इसका यूज़ करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसका यूज़ करके आप एक होम ऑटोमेशन बना सकते हैं। इसका यूज़ करके आप एक सिक्योरिटी सिस्टम भी बना सकते हैं। सो हाउ PIR सेंसर वर्क्स। जिन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा होता है वो हीट एनर्जी एमिट करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में, लाइक ह्यूमन और एनिमल। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। जो रेडिएशन हम प्रोड्यूस करते हैं ये हमें विजिबल नहीं होती बिकॉज ये इंफ्रारेड वेवलेंथ पे रेडिएट होती है। PIR सेंसर ऑब्जेक्ट की हीट को डिटेक्ट नहीं करता बल्कि जो ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड रेडिएशन रेडिएट होती है उसे डिटेक्ट करता है। तो अगर हम इसे डिटेल में समझें तो जो हम ह्यूमंस होते हैं वो हीट एमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। तो जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन है ये PIR सेंसर डिटेक्ट करता है। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो PIR सेंसर पे फोकस होती है। उसके लिए PIR सेंसर पे एक प्लास्टिक कवर होता है जिसे फर्स्टनल लेंस बोलते हैं। अब ये फर्स्टनल लेंस जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको फोकस करता है पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर पे। PIR सेंसर के अंदर जो पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो डिटेक्ट कैसे करता है ये समझते हैं। ये पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर का डायग्राम है। पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर में हमारे दो रेक्टेंगुलर स्लॉट होते हैं। दोनों रेक्टेंगुलर स्लॉट में हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं। एक रेक्टेंगुलर स्लॉट का इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिव आउटपुट प्रोड्यूस करता है और दूसरे जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है उसका इलेक्ट्रोड नेगेटिव आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जब कोई PIR सेंसर के सामने मूवमेंट नहीं होती तो ये जो इलेक्ट्रोड हैं वो सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो जो रिजल्ट आउटपुट मिलता है वो हमें ज़ीरो मिलता है। जब कोई मूवमेंट होती है सेंसर के सामने, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने सेंसर के आगे अपना हैंड मूव किया, तो सबसे पहले हमारा हैंड फर्स्ट रेक्टेंगुलर स्लॉट से जाएगा जो हमारा पॉजिटिव डिफरेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो दूसरे रेक्टेंगुलर स्लॉट पे जाएगा जो नेगेटिव डिफरेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जब हमें ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंशियल आउटपुट मिलता है तो जो हमारा सेंसर है वो हमें हाई देता है हमारी आउटपुट पिन पे। अब हम एक LED को ट्रिगर कराएंगे PIR सेंसर से आर्डिनो का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम आर्डिनो को कनेक्ट कर लेते हैं PIR सेंसर से। तो PIR सेंसर में आपको 3 पिन मिलती हैं। अगर आप इसका प्लास्टिक कवर रिमूव करेंगे तो आपको लेबलिंग दिखेगी पिनों की। तो फर्स्ट पिन हमारी VCC होती है, सेकंड पिन हमारी आउटपुट होती है और थर्ड पिन हमारी ग्राउंड होती है। कनेक्शन करने के लिए हम यूज़ करेंगे जंपर वायर। ये मेल टू फीमेल जंपर वायर है। सबसे पहले हम PIR सेंसर की VCC को आर्डिनो की 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। अब हम PIR सेंसर की आउटपुट पिन को आर्डिनो की डिजिटल पिन 4 से कनेक्ट करेंगे। अब हम PIR सेंसर की ग्राउंड को आर्डिनो की ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो अब हम एक LED कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ। तो इस LED की पॉजिटिव साइड पे मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है 1 किलो ओम का। LED की पॉजिटिव साइड को हम आर्डिनो की 13 पिन पे कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव साइड है उसे ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे। तो बस इतने कनेक्शन करने थे। तो अब हम आर्डिनो की USB कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरी साइड को हम अपने PC से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है आर्डिनो IDE। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है PIR सेंसर का। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करा है हमारी PIR पिन के लिए, जहाँ पे हमने PIR की आउटपुट पिन कनेक्ट करी है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल और डिफाइन करा है जहाँ पे हमने LED कनेक्ट करी है। फिर PIR की जो आउटपुट पिन है उससे जो हमारे आउटपुट मिलेगा हाई और लो उसको स्टोर करने के लिए हमने एक और वेरिएबल डिफाइन करा है जिसके अंदर हमने 0 वैल्यू स्टोर करवाई है। अब हमने वॉइड सेटअप में पिन डिफाइन करी है। तो पिन डिफाइन करने के लिए हमने पिन मोड फंक्शन का यूज़ करा है। जो PIR सेंसर है उससे हमें इनपुट मिलेगा आर्डिनो पे, तो उसको हमने इनपुट सेट करा है। और जो LED है उस पर हम आर्डिनो से आउटपुट देंगे तो उसे हमने आउटपुट सेट करा है। उसके बाद वॉइड लूप में हमने डिजिटल रीड फंक्शन से जो PIR सेंसर है उससे वैल्यू ली है और उसको हमने वेरिएबल में स्टोर कराया हमारे PIR स्टेट में। अब हमने PIR स्टेट की कंडीशन चेक करी है। अगर वो हाई होता है तो हमारी LED ऑन हो जाए
और अगर वो लो होता है तो जो LED है वो ऑफ हो जाए। तो बस इतना ही प्रोग्राम था। तो अब हम अपने आर्डिनो प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आर्डिनो ऊनो यूज़ करें तो आर्डिनो ऊनो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब हम अपने प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डन अपलोडिंग लिखा गया है, तो प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। PIR सेंसर में आपको दो पोटेंशियोमीटर मिलते हैं। जो लेफ़्ट साइड वाला पोटेंशियोमीटर है वो डिटेक्शन रेंज के लिए है, मतलब कि अगर आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो डिटेक्शन की रेंज है सेंसर की वो बढ़ेगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो डिटेक्शन रेंज है वो कम हो जाएगी। जो राइट हैंड साइड वाला पोटेंशियोमीटर है वो टाइम डिले के लिए है, अगर आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो टाइम डिले है वो बढ़ेगा, और अगर आप उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो टाइम डिले है वो कम होगा। PIR सेंसर में आपको दो मोड मिलते हैं, एच मोड और एल मोड। अभी ये एच मोड में सेट है। जो एच मोड होता है वो हमारा रिपीटिंग ट्रिगर मोड होता है, तो अगर आप जंपर वायर को नीचे कनेक्ट कर देंगे तो ये एल मोड में सेट हो जाएगा, जो नॉन रिपीटिंग ट्रिगर मोड होता है। तो अब ये एच मोड और एल मोड क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो अभी ये एल मोड में सेट है, तो एल मोड में क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूस मूवमेंट भी कर रहे हैं सेंसर के आगे तो सेंसर सिर्फ एक बार ट्रिगर होगा, और जितना हमने टाइम डिले सेट कर रखा है उतने टाइम के लिए आउटपुट पिन पे हाई देगा, मतलब हमारी LED ऑन रहेगी उतने टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद जब टाइम डिले खत्म हो जाएगा तो जो LED है वो ऑफ हो जाएगी, और फिर से अगर ये मूवमेंट बाद में डिटेक्ट करता है तो फिर ये ट्रिगर होगा और फिर हाई देगा हमारी आउटपुट पिन पे, और जो LED है वो ऑन हो जाएगी, और जितना हमने टाइम डिले सेट कर रखा है उतने टाइम डिले के लिए हमारी जो LED है वो ऑन रहेगी और फिर ऑफ हो जाएगी। अब हम टाइम डिले को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 मिनट ले रहा है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो अब मैंने जंपर वायर को ओपन कनेक्ट कर दिया है, तो एच मोड में सेट हो गया है। एच मोड हमारा रिपीटिंग ट्रिगर मोड होता है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट पिन पे हाई मिलता रहेगा, और अगर आपने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया तो जो आउटपुट पिन है वो लो हो जाएगी कुछ टाइम डिले के बाद, जो हमने सेट कर रखा है पोटेंशियोमीटर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।